तो हेलो मेरे एडिटरों, कैसे हो तुम सभी। तो मैं तुमको ना ट्यूटोरियल देने जा रहा हूँ, ये वाला जो मैंने रिसेंटली अपना लोगो का एनिमेशन क्रिएट किया ना, कैसे क्रिएट किया मैं तुम्हें बताऊंगा। तो देखो, इसमें ना कुछ नहीं है, बस सस्ती सी एनिमेशन है। एनिमेशन भी कैसी सस्ती, ठीक है। इसमें तुमने सिंपली एक प्यारा सा प्रोजेक्ट क्रिएट करना है, 16:9 का क्रिएट करना है। इस पर क्या करना है, तुम्हें ना बैकग्राउंड एकदम ब्लैक रखना है बिल्कुल ही, ठीक है। ब्लैक रखने के बाद ना तुम्हें ना अपना जो लोगो है ना उसको कुछ तोड़ लेना है, तोड़ मड़ोड़ना है, ठीक है। जैसे मैंने तोड़ा है, वी को अलग साइड तोड़ दिया, आर को अलग साइड तोड़ दिया, और जो ई के तीनों थे ना उनको डिफरेंट डिफरेंट साइड, मतलब डिफरेंट डिफरेंट तोड़ दिया। लेकिन अगर तुम्हें नहीं तोड़ना है ना, अगर तुम्हारा जो लोगो है वो डब्बा है ना, नॉर्मल डब्बे की शेप का, तो उसको ना एकदम डायगनली तोड़ देना, तुम काट देना बीच में से, ठीक है। समझ रहे हो कैसे, वो मैं तुम्हें बताने नहीं वाला, लेकिन जैसा मैंने क्रिएट किया है ना अपना लोगो, मैं वो तुम्हें ज़रूर बताऊंगा। चलो फिर सीधा चलते हैं यहाँ पर। मैं अपने सभी ये जो है ना इनको इंपोर्ट कर लेता हूँ, और ये याद रखना कि जो बैकग्राउंड है ना इसका वो ब्लैक रहे, ठीक है। जैसे कि मैंने किया है, हर एक पीस का जो बैकग्राउंड है वो ब्लैक है, ताकि ये अच्छे से रहे। फिर मैं लाइटन करके इसको, जो ब्लैक बैकग्राउंड है उसको तो लात मार के भगा ही देना है मुझे। और फिर ऐसे धीरे धीरे करके सबको इंपोर्ट करना है, और सबका जो वो है ना, क्या कहते हैं इसे, ब्लेंडिंग मोड, वो तुम्हें लाइटनिंग रखना है, जैसे कि मैं रख रहा हूँ, ठीक है। ये कर लेना। जस्ट उसके बाद आती है सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, नहीं उसके बाद भी बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ये तो बच्चे नीचे चिल्ला रहे हैं ना, इन पे ध्यान मत देना, ठीक है। मेरी बातों पे ध्यान दो, एकदम मेरी बातों पे, क्योंकि तुम मेरे YouTube चैनल पे हो ना, कि इनके, ठीक है। तो देखो इन पे क्या करना है, सबसे पहले तुम्हें ना 1 सेकंड पे चले जाना है। 1 सेकंड में जाने के बाद एक की फ्रेम, मतलब ये जो क्या कहते हैं, मार्क कर देना है। मार्क करने के बाद यहाँ पर तुम्हें आना है पहले सबसे नीचे वाली पे, पहले सबको ऑफ कर देना, जिस पे तुम एनिमेशन कर रहे हो ना फिलहाल, उसको सिर्फ तुम्हें अपेयर करना, बाकी सबको डिसअपेयर कर देना, यानी कि सबको आँख बंद कर देने सबकी, ठीक है। उसके बाद ना सिंपली तुम जिस लेयर पे तुम्हारा आँख खुली है उस पे जाओ, यहाँ पे मूव एंड ट्रांसफॉर्म पे जाओ, एक की फ्रेम आगे, एक की फ्रेम वहाँ पर जहाँ पर तुमने मार्क किया है। जो आगे वाली की फ्रेम है ना उस पे क्या करना है तुम्हें, इसको ना इस साइड भगा देना है ऐसे करके। और ये याद रखना, जो तुम्हारी लाइन है ना वो एकदम स्ट्रेट रहे, इतना भगा देना कि वो बिल्कुल ना दिखे, इतना मतलब स्क्रीन से भगा देना, ठीक है। इतना करने के बाद ना तुमको क्या करना है, इसमें इतना कर देना है, और फिर ग्राफ कैसा बनाना है मैं बताता हूँ। ग्राफ तुम्हें बनाना है, ये जो थर्ड नंबर वाला ग्राफ है ना, ऊपर से लेके थर्ड नंबर पे, यानी कि लास्ट सेकंड, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद इसको कर देना तुम हाफ यहाँ पर, और इसको भी कर देना तुम हाफ यहाँ पर। अगर तुमको और जल्दी लाना है इसको, तो और थोड़ा ऐसा कर देना, या फिर ऐसा कर देना, ठीक है। इतना ये एकदम परफेक्ट रहेगा, नहीं थोड़ा सा, ये एकदम परफेक्ट रहेगा, ठीक है। इतना करने के बाद ना तुम्हें इसमें कर देना मोशन ब्लर अप्लाई। मोशन ब्लर कैसे अप्लाई करोगे, सिंपली मोशन ब्लर लिखना, उसको ले लेना बस, कुछ नहीं अप्लाई करने की ज़रूरत। तो तुम्हारा जो बनेगा ना कुछ ऐसा बनेगा, समझ रहे हो। तो यही चीज़ तुम सब पे कर लेना, ठीक है, यही चीज़। अगर तुम्हें ग्राफ बार बार ड्रॉ नहीं करना, तो एक चीज़ करना है, यहाँ पर जाना, इसके फर्स्ट वाले ग्राफ पे जाना, यहाँ पर जो नीचे 3 डॉट दिए ना गए ना, ये लेफ्ट साइड, लेफ्ट हैंड के एकदम नीचे नीचे, एकदम नीचे, देखो नीचे, तो यहाँ पर 3 डॉट है, इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर कॉपी कर्व पे क्लिक करना, कॉपी कर्व पे क्लिक करने के बाद जिस पे भी तुम्हें, देखो की फ्रेम डार्क, जिस पे भी की फ्रेम होगी ना, इनके बीच में आ जाएगा कर्व का ऑप्शन, तो उस पर क्लिक करना, और यहाँ पे सिंपली तुमको पेस्ट कर देना, ठीक है। कर्व को पेस्ट कर दोगे ना तो तुम्हारा हो जाएगा, इस पे भी कर्व जो है वो अप्लाई हो जाएगा इजीली। तो यही चीज़ सब पे कर लेना, ठीक है। तो मैं भी फटाक से सब पे कर लेता हूँ, ठीक है। अगर तुम्हें ये चीज़ समझ नहीं आया ना, तो बैक जाके दोबारा देख लो, लेकिन मैं दोबारा नहीं बताऊँगा, देख ही लो यार दोबारा, ठीक है, वरना वीडियो लंबी हो जाएगी। तो मेरे दोस्तों, जैसे कि आप सभी लोग अपनी आंखों से देख सकते हैं, मैंने सब पे मोशन ब्लर अप्लाई कर दिया, और जो ग्राफ है वो भी सबका सेम जरूर रखना। ये तुम्हें ध्यान रखे कि सबका ग्राफ जो है वो एकदम सेम रहे, ठीक है, कोई चेंज ना रहे। उसके बाद देखो, जैसे तुम्हारा वी आ जाता है ना यहाँ पर, वी के आने के बाद जस्ट आर आएगा, तो आर को ना इतना पीछे कर देना, 1 सेकंड पीछे। वी आया, फिर आर आएगा, और फिर तीनों आएंगे। तीनों कैसे आएंगे, 3-3 सेकंड जस्ट बाद आएंगे, ठीक है। ये 3 सेकंड, फिर 6 पे चले जाओ, यहाँ पे 3 सेकंड बाद दूसरा आएगा, फिर 6 पे चले जाओ, यानी कि 1:9, मतलब 1:9 पे चले जाओ, यहाँ पर आएगा, देखो ऐसे ऐसे। ये वाला जो है ना ज़्यादा सेटिस्फाइड लग रहा है, लेकिन जो मैंने बनाया ना वो थोड़ा डिफरेंट बनाया मैंने, लेकिन कोई बात नहीं, तुम ऐसा बनाना, ठीक है, क्योंकि मैं कह रहा हूँ तुम ऐसा ही बनाना। उसके बाद देखो, जस्ट सबसे इम्पोर्टेंट काम आता है यहाँ पर, जो कि है तीनों आने के बाद ना, जहाँ पर एंड वाला आ रहा है ना, सबसे ऊपर वाला, वहाँ से सबको डिलीट कर दो, ऐसे ऐसे करके, जैसे मैं कर रहा हूँ ना, सबको डिलीट कर देना, ठीक है।
इतना कर देना, मैं तुमको ऐसे सिखा रहा हूँ कि तुमको बेसिक आती है, मुझे ऐसा लग रहा है कि तुमको बेसिक आती है, ठीक है। तो तुमको अगर बेसिक भी नहीं आती ना तो तुम यूट्यूब पे पहले बेसिक सीखो भाई, अगर तुम्हें बेसिक नहीं आती ना तो भी तुम कर सकते हो, क्योंकि मुझे भी बेसिक नहीं आती। तो देखो इसमें फिर क्या करना है, तुम्हें ना अपना जो रियल लोगो है ना वो तुम्हें यहाँ पर लाना है, यानी कि तुम्हें इंपोर्ट करना है अपना रियल वाला लोगो। तो मेरा रियल वाला लोगो कहाँ है वो मैं अभी ढूंढ के लाता हूँ। तो देखो जो मैंने अपना लोगो है ना वो एकदम परफेक्टली इंपोर्ट कर लिया, एकदम इसी के साइज़ का, ठीक है। देखो तुम कितना स्मूथ लग रहा है, देखो है, पता चल रहा है कि मैंने इंपोर्ट किया अलग से? नहीं ना, नहीं पता चल रहा ना। अगर पता चल रहा है ना तो तुम्हारी आँखें कुछ ज़्यादा ही तेज है, ठीक है, इसका चेकअप कराओ। तो यहाँ पर देखो तुम्हें ना सिंपली ऐसे कर लेना जैसे कि मैंने किया है यहाँ पर अभी अभी। उसके बाद देखो तुम्हें ना अपनी ये जो लोगो है ना इसका डुबली करना, डुबली करने के बाद इसको काटना है, बीच में से काटना है अच्छे से। देखो कैसे काटना है मैं बताता हूँ, यहाँ पर इफेक्ट्स पे क्लिक करो, ऐड इफेक्ट्स पे क्लिक करो, ऐड इफेक्ट्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर सर्च करो WIPE, ये कर देना ऑफिस स्टैंडर्ड सेटिंग पे क्लिक करना। उसके बाद स्टार्टिंग को तुम कर लेना 50, समझ रहे हो, 50 कर लेना। एक सेकेंड मेरा हो क्यों, अरे हो जा भाई, ना कट रही है यहाँ पे मेरे ख्याल से ना भाई कुछ। एक सेकेंड मैं ना क्या करता हूँ ना, इसको एक को डिलीट करता हूँ, एक को रखता हूँ तब पता चलेगा, ठीक है। मैं कर तो सही रहा हूँ, 50 कर लेना स्टार्टिंग वाला जो पॉइंट है ना उसको 50 कर लेना, ठीक है। 50 करने के बाद क्या करना है तुम्हें, एंगल जो है ना वो 45 रखना है ऐसे करके, ठीक है, समझ रहे हो, 45 रख लेना। और हो गया तुम्हारा ये वाला, हो गया इसको फिर डुप्ली करना। डुप्ली करने के बाद क्या करना है, अफेक्ट्स पे जाओ, उस वाले पे जो जिसका डुप्ली किया ना उसके अफेक्ट्स पे जाओ, और फिर जो एंगल है ना इसको हटा के ज़ीरो कर देना, एंगल को ज़ीरो कर देना बस। शायद सर थोड़ी दिक्कत होगी, एक सेकेंड एंगल को ना तुम 90 वो उतना करना, एक सेकेंड मैं बताता हूँ, एंगल को 225 कर देना, ठीक है, 225 में एकदम परफेक्ट हो रहा है। उसके बाद ना तुम्हें जाना है यहाँ पे इसके भी एक सेकंड बाद, यानी कि 39 पे, ठीक है, 39 पे जाना, यहाँ पे एक की फ्रेम डाल देना और शुरुआती प्लाव में एक की फ्रेम डालना। यहाँ पर एक की फ्रेम जो है, जो एंड वाली की फ्रेम है ना जो तुमने राइट साइड में डाली थी उस पर जाना, उसको पीछे खींचना, ठीक है। मुझसे बहुत लोग रीज़न पूछेंगे इससे, मैंने पहले बता दिया तो टेंशन की बात है नहीं। तो इतना करना, ठीक है, इतना करने के बाद ना तुम्हें नीचे वाली पे भी आ जाना है, नीचे वाली को भी कुछ ऐसे करना है, यहाँ पर एक की फ्रेम डालनी है, यहाँ पर एक की फ्रेम डालनी है, और जो लास्ट वाली की फ्रेम है ना उसको खींच के यहाँ पर ले आना है ऐसे। और ये याद रखना कि एकदम लाइन में ही हो, ठीक है, अगर ऊपर नीचे जरा भी चले गए ना तो तुम्हारी वीडियो बन सकती है, ठीक ठाक बन सकती है फिर भी, लेकिन का नहीं पता भाई गलत भी हो सकती है, ठीक है। इतना कर लेना, इतना करने के बाद तुम्हें आ जाना है यहाँ पे, यहीं पे, हाँ। तो तुम ना शुरुआत में ऐसा लगा देना और इसको वहीं पे लाना जहाँ से तुमने उठाया था, एज इट इज़ वहीं पे, ठीक है। मैं भी ले आता हूँ, हाँ बीच में, ठीक है, ओके। और इसको भी ऐसे ही ले आना यार, ये आज आ गया, ठीक है, पक्का वहीं पे है ना ये एकदम सटीक, ठीक है। इतना होने के बाद तुम्हें ना एक छोटा सा काम करना है जो कि है ग्राफिंग का, मतलब ग्राफ लगाना है इसमें भी, ग्राफ तुम बहुत इंपॉर्टेंट है, वही ग्राफ यहाँ पे भी पेस्ट कर सकते हो जो कि तुमने वहाँ पे कॉपी किया था, लेकिन शुरुआती पुलाव में सिर्फ, ठीक है, शुरुआती पुलाव के लिए वो ग्राफ सही है, लेकिन जो बाद में है ना वो ग्राफ, अरे शिट मैंने उसी ग्राफ को कॉपी कर लिया, लेकिन खैर कोई बात नहीं, मेरे पास ग्राफ पड़ा हुआ है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ से मैंने ग्राफ को कॉपी कर लिया और यहाँ पर जाके मैंने इसको ठोक दिया, पेस्ट कर दिया, ठीक है। इतना करने के बाद ना तुम्हें फिर साइड में भी यहाँ पर भी एक ग्राफ बनाना पड़ेगा जो कि कुछ ऐसा बनेगा, ऐसे इसको नीचे ले आना, इसको यहाँ पर ले आना, बस इतना कर लेना, इसको भी यहाँ पर फिर कॉपी करना और यहाँ पर तुमको इसको भी पेस्ट कर देना बेझिझक, ठीक है। इतना करने के बाद जाहिर सी बात है इनमें भी मोशन ब्लर तो अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि मोशन ब्लर के बिना कोई वीडियो अधूरी ही है, ठीक है। तो मोशन ब्लर तुम भी अप्लाई कर लेना मेरी तरह पटक से, ऐसे होगा तुम्हारी वीडियो फिर ऐसे होगी, फिर ऐसे नहीं, देखो तुम खुद देखो अच्छी लग रही है कि नहीं लग रही है, लग रही है ना, बस। ये थोड़ा सा दूर हो गया मेरे ख्याल से, इसको थोड़ा सा पास ले आते हैं, थोड़ा सा मिलन करवा देते हैं, नीचे वाले को भी थोड़ा पास ले आते हैं, ऐसे तुम भी कर देना, ठीक है, मेरी तरह ही, क्योंकि यार कोई अधूरा नहीं रहना चाहिए, सब मिलजुल करो, मजे करो, खाओ पियो, एक थाली के चट्टे पट्टे बनो, ठीक है। इतना करने के बाद ना तुम्हें ना एक छोटा सा काम करना है, इसको कॉपी करना है, डुबली कर लेना, और इसमें तुमको पेस्ट करना है एक कलर, जैसे कि मैं कर देता हूँ ब्लैक कलर, ठीक है, ब्लैक कलर को पेस्ट कर देना,
और इस नीचे वाले को भी कॉपी करना, डुप्ली करना, और इसमें भी तुमको एक ब्लैक कलर ही कर देना है, ठीक है। मैं भी फटाक से कर देता हूँ। फिलहाल तुम ना ब्लू या फिर कुछ और कलर करना, ठीक है। यहाँ पे मैं ब्लू करता हूँ, यहाँ पे ऑरेंज कर देता हूँ, ठीक है। इतना करना जैसे यहाँ पर दिख रहा है, और इसको ना थोड़ा सा बड़ा कर देना ऐसे करके, यहाँ से जूम आउट, ठीक है। और यहाँ पे भी एकदम फैला देना बिल्कुल ही हक से, क्योंकि भाई तुम्हारा ही फ़ोन है, ठीक है। ओए नहीं, हाँ ऐसे सही है, हाँ चलो यार सही है यार, ठीक है। इतना कर लेना। इतना करने के बाद ना तुमको एक छोटा सा काम करना है, जो कि है तुमको कोई भी फ़ॉन्ट लेनी है, अपने मनपसंद की कोई भी फ़ॉन्ट लेना ना, जिसको फ़ॉन्ट नहीं पता, फ़ॉन्ट बोल रहा हूँ मैं, FONT वाला फ़ॉन्ट, जिसको फ़ॉन्ट नहीं पता वो यहाँ पर चले जाना। ये होते हैं फ़ॉन्ट्स, यहाँ पर व्यू ऑल फ़ॉन्ट पे जाके तुम काफ़ी अच्छे अच्छे फ़ॉन्ट यहाँ पर मिलते हैं, वो भी ले सकते हो, या फिर खुद से फ़ॉन्ट भी इम्पोर्ट कर सकते हो। तो मेरे डिस्क्रिप्शन में जाओ और तुम्हें कोई फ़ॉन्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं नहीं देने वाला। तुम गूगल पर सर्च करो डा फ़ॉन्ट, तुमको ऐसे ऐसे फ़ॉन्ट मिलेंगे जो तुमको आग बबूला कर देंगे। वो फ़ॉन्ट काफ़ी दमदार होता है, तो वो फ़ॉन्ट लेना, क्योंकि मेरे वाले फ़ॉन्ट काफ़ी ज़्यादा मस्त नहीं लगेंगे। तो यहाँ से जो मेरा फेवरेट फ़ॉन्ट है वो ये है, वैम्पायर वॉर्स। तुम ये डाउनलोड कर सकते हो डा फ़ॉन्ट से, ठीक है। ये कोई वो नहीं है, मतलब क्या कहते हैं, स्पॉन्सर नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर मैं अपना नाम लिख देता हूँ, प्यारा सा विकास राठौर जी, मतलब एडिट्स, ठीक है। खुद का नाम भी तो लो एकदम हक से, क्योंकि तुम्हारा ही नाम है, ठीक है। इतना करने के बाद इसका कलर जो है तुम्हें वाइट कर देना, और इसका जो लेंथ है वो कर देना तुम्हें कुछ 36 या फिर 40, ठीक है, 40 कर देना। इतना करने के बाद इसको तुमको रखना एकदम सेंटर में, जैसे कि मैं रख रहा हूँ, ऐसे करके सेंटर में रख देना। सेंटर में रखने के बाद क्या करना है, अगर तुम्हें सेटिस्फाइड नहीं लग रहा ना मेरे दोस्त, तो तुम्हें इसको थोड़ा और जूम आउट कर लेना, बिल्कुल ही मज़े में, कोई दिक्कत की बात नहीं रहेगी, ठीक है। जैसे कि फ़ॉन्ट मेरा थोड़ा छोटा हो गया, तो मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेता हूँ। दैट्स नॉट इनफ, यही सही है मेरे ख्याल से, तो भाई यही सही है। तुम्हें जितना बड़ा करना है तुम कर लेना, क्योंकि सबका बड़ा होता है दिल के हिसाब से बड़ा करना, ठीक है। तो इतना करने के बाद ना तुम्हें क्या करना है, इनको भी ब्लैक कर देने हैं, फटाक से इनको ब्लैक कर, तो वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है। तो देखो मैंने यहाँ पे इसको भी ब्लैक कर दिया, और तुम्हें क्या करना है, ये जो है ना इसको खींच के नीचे ले जाओ, नीचे और नीचे, हाँ नीचे ले जाने के बाद ना तो तुम्हारी वीडियो है वो हालांकि कंप्लीट नहीं हुई है, बस होने वाली है। जो ये फ़ॉन्ट है ना ये थोड़ा सा बड़ा हो गया मेरे ख्याल से, क्योंकि मैंने रखा था 36, इतना तुम भी रख लेना, ठीक है मेरे ख्याल से। वैसे तुम कुछ भी रख सकते हो एज योर विश मेरे दोस्त। इसको एकदम सेंटर में रखना, यहाँ पे एकदम परफेक्ट है, ठीक है। इतना करने के बाद ना तुम्हें देखो सिंपली एक चीज़ करनी है, जो क्या है, तुम्हें अपना जो ये है ना क्या कहते हैं इसे, हाँ अपना लोगो वो दोबारा से इंपोर्ट करना है। तो सारी चीज़ें हटा देना यहाँ से, यहीं से ले लेना है इसको फटक से, ठीक है। और बीच वाली सबसे पहले हटाना, ताकि साइड वाली से आ जाए। इतना होने के बाद ना देखो तुम्हारी वीडियो कुछ ऐसी बन जाएगी। ऐसी बनने के बाद ना तुम्हें जस्ट आना है यहाँ पर, यहाँ पर आने के बाद एक सेकंड दोबारा आगे जाओ, एक मिनट मेरा मतलब, एक मिनट वापस से आगे जाओ। आगे जाने के बाद इसके सेंटर में एक की फ्रेम लगा दो। सेंटर में आने के बाद यहाँ पर तुम्हें एक जूम आउट का वो देना है अफेक्ट, मतलब जूम हो रहा हो मेरे दोस्त, जूम, ठीक है। तो यहाँ पर अरे ये चीज़ नहीं करनी, सॉरी माई फोल्ड। यहाँ पर ऐसे करने के बाद तुम्हें इसको थोड़ा जूम कर देना है ऐसे करके, ठीक है। अपने मनमर्जी जूम कर लेना इसको, और फिर इसको थोड़ा ऐसे कर लेना, ग्राफ को थोड़ा अरेंज कर लेना, ठीक है, जैसे कि मैं कर रहा हूँ यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे मैंने ग्राफ अरेंज कर लिया, देखो ऐसे आएगा, ऐसे आते सीधा पट करके आगे आ जाएगा। आगे आने के बाद तुम्हें देखो एक छोटी सी चीज़ करनी है, वो क्या है, यहाँ पर ऐड इफेक्ट्स पे क्लिक करो। ऐड इफेक्ट्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर तुमको एक वो PIN लिखना, तुमको एक ऐसा बन जाएगा, मिल जाएगा पिंच, ऐसे करके मिल जाएगा। तो भी इसकी भी स्टैंडर्ड सेटिंग कर लेना, और फिर यहाँ पर तुमको सेंटर जो है ना वो तुम्हें रखना यही बीच वाले रखना, ठीक है, जो नॉर्मल था। स्ट्रेंथ रखना तुम यहाँ पर, फिलहाल तो तुम स्ट्रेंथ 0 ही रखना, ठीक है, 0 स्ट्रेंथ यहाँ पर मेरे दोस्त, ठीक है, इतना रखना। उसके बाद जो रेडियस है ना वो भी तुम फिलहाल 0 ही रखना, जो रेडियस दी हुई है, ठीक है। इतना करने के बाद यहाँ पर चले जाना, जहाँ पर तुमने
जो मार्क है वो लगाया है, और भाई वहाँ पर जाने के बाद तुम्हें जो स्ट्रेंथ है ना वो बिल्कुल ही बिल्कुल ही बिल्कुल ही लो कर देनी है, और भी जो रेडियस है ना वो भी बिल्कुल हाई कर देना है, इतना जितने से तुम्हारा जो वो है लोगों वो बुरा डल हो जाए, ख़त्म हो जाए, ठीक है। तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा होने के बाद ना तुम्हें यहाँ पे भी ग्राफ करना है मेरे दोस्त। एडिटिंग में सबसे मेन क्या है, क्या है? ग्राफ नहीं, अंगूठे, अंगूठे सबसे मेन है। अंगूठे ना हो तो तुम कैसे बनाओगे? हाँ हाथ से बना लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कलाइयाँ भी तो हैं, गोरी गोरी कलाइयाँ। तो देखो यहाँ पर ना तुम्हें क्या करना है, मतलब यहाँ पे आ जाना तुम और ग्राफ में आ जाना। तो ग्राफ में क्या करना है ना, एकदम से जाएगा नहीं, पहले स्लो होगा फिर एकदम से फास्ट होगा। तो स्लो फास्ट होने के लिए तुमको सेकंड वाला ग्राफ चाहिए, समझ रहे हो? सेकंड वाला ग्राफ देखो, साइंस लगाओ ना साइंस। तो इसमें भी ऐसे कर लेना, दोनों का ग्राफ सेम होना चाहिए, इसलिए तुम जो तुमने अभी किया ना ग्राफ उसको कॉपी कर लेना। कॉपी करने के बाद अरे मैं बाहर क्यों आ गया, यहाँ पर तुमको कर देना है पेस्ट, ठीक है। इतना करने के बाद ना तुम्हारी कुछ ऐसी बनेगी, देखो है ना, सही लग रहा है कि नहीं लग रहा, दिल से बताओ, दिल पे हाथ रखो और बोलो ऑल इज़ वेल। तो यहाँ पर देखो तुम्हें इस पर भी करना है, इस पर कैसे ग्राफ बनाना है ऐसा, ठीक है। करने के बाद जो तुम्हारी वीडियो होती है ना वो पूरे जोरों शोरों के साथ कंप्लीट हो जाती है। एक बार अपनी वीडियो को निहार लो, जो तुम्हें साउंड इफेक्ट्स हैं वो मैं पार्ट सेकंड में बताऊंगा, क्योंकि ये वाली वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, ठीक है। इंतज़ार करो मेरा, बाय।